धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सतगुरु कबीर का एक बहुत सरल और छोटा सा पद रखूंगा और उसके आधार पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, कुछ लेना न देना मगन रहना, गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना, पांच तत्व का बना पिंजड़ा तामे बोले मेरी मैना, तेरा पिया तेरे मन में बसा है खोल कर देखो नैना, कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन। हर आदमी हर समय मगन रहना चाहता है। दुनिया में एक ऐसी चीज जिसे दुनिया का कोई भी आदमी चाहता नहीं, उससे बचने का प्रयास करता है, वह चीज है दुख। कोई नहीं चाहता। और दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे हर आदमी चाहता है और पाने के लिए अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहा है, वह चीज है सुख। बस दुख से बचना और सुख पाना, इसी के लिए आदमी काम कर रहा है, चाहे जो करता हो। एक चोरी करने वाले से पूछो, तुम चोरी दुख पाने के लिए कर रहे हो सुख पाने के लिए, क्या कहेगा? सुख पाने के लिए ही कहेगा। एक डाका डालने वाले से पूछो, वो भी ये कहेगा। एक शराबी से पूछो, तुम शराब पी रहे हो सुख पाने के लिए पी रहे हो, दुख पाने के लिए कहेगा सुख पाने के लिए। हर आदमी जो करता है, किसी साधु से पूछो कि बाबा आपने अपने माता पिता घर द्वार जमीन जायदाद गांव त्याग दिए सुख पाने के लिए, सुख पाने के लिए कि बेटा सुख पाने के लिए। एक लड़का शादी करता है सुख पाने के लिए, लड़की शादी करता है सुख पाने के लिए, साधु घर छोड़ता है सुख पाने के लिए, जो भी करता है आदमी सुख पाने के लिए करता है। अब पूरा का पूरा सुख और सच्चा सुख किसको मिलता है, ये बात अलग है। सही सुख और पूरा का पूरा सुख करोड़ व्यक्ति में एक दो को भी मिल जाए ना, समझना बड़ी बात है। पहली बात तो यह है कि आदमी सच्चा सुख क्या है और पूरा सुख क्या है। वह सुख जिसके पीछे दुख ना हो वही सच्चा सुख है, और जिस सुख के पीछे दुख है वह सुख झूठा सुख है। बाहर से जो भी मिलेगा सुख वह सुख झूठा सुख है। जिसमें कुछ चाहिए वह सुख झूठा सुख है। थोड़े समय के लिए होगा और बाद में वही सुख दुख में बदल जाए। बड़ा सरल उदाहरण है, सुना भी होगा आप लोगों ने, जानते भी होंगे आप लोग कि जो हम बाहर का सुख कहते हैं ना,
शुरुआत में लगता है सुख, लेकिन थोड़े समय में दुख शुरू हो जाता है। एक समय आज जिसमें में सुख लग रहा है, चार महीना पश्चात उसी में हमको दुख शुरू हो जाएगा। ये तो दुबई है, यहाँ तो ठंडी कम पड़ती है। आप लोग सब राजस्थान के हैं, सब जानते हैं वहां राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में ठंड कैसी पड़ती है। अभी आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा कहीं भी जाओ, दोपहर का समय है, सूरज निकला हुआ है, बड़ी गर्मी पड़ रही है, गरम गरम हवा चल रही है, उसी में आप रास्ता चल रहे हैं। गर्मी से, गरम हवा से, ऊपर से सूरज की धूप से, नीचे की जमीन तपी हुई है उसकी गर्मी से आप बड़े परेशान हैं। भूख और प्यास से पीड़ित हैं। चलते चलते एक गांव मिला और आपने एक घर का दरवाजा खटखटाया, घर का मालिक निकला, तब पूछा भाई क्या है, कौन बात हो। आपने कहा मैं एक राहगीर हूं और रास्ता चलते चलते आ रहा हूं, इतनी बड़ी गर्मी है, गर्म हवा चल रही है, ऊपर से सूरज गर्मी, नीचे जमीन तक की बड़ी गर्मी है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्यास लगी मुझे, गर्मी लगी है, थोड़ी सी मैं छाया था। घर वाले के मालिक ने कहा अच्छा अच्छा आओ, आपको ले गए अंदर, कमरा बैठा दिए, कूलर या एसी चला दिए, पंखा चला दिए, आपको बड़ा सुख मिला। कूलर की ठंडी हवा, पंखे उसमें पंखा, बहुत आराम मिला। इतने में घर मालिक आपके लिए एक गिलास ठंडा पानी, बहुत एकदम ठंडा पानी, नींबू डाल करके बढ़िया सरबत बना करके ले आया और आपको पीने को दिया। आपने पिया, आप कहेंगे भैया आप मुझे ठंडा पानी क्या पिलाया, मुझे अमृत पिला दिया, मेरा गला सूख रहा था, मैं परेशान हो रहा था, पूरा चला बहुत आपको सुख मिला, बड़ा आनंद आया। कभी आपके घर में आया, जो आनंद आया मैं ही बता सकता हूँ, बहुत धन्यवाद वहां से आप चले गए। छह महीना का समय बीता, दिसंबर और जनवरी का समय आया, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, संयोग से उसी रास्ते पर चलते हुए आप फिर आ रहे हैं, ठंड से बहुत परेशान, ओढ़ने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ठंडी हवा है, शाम का समय है, बहुत परेशान, और उसी घर का दरवाजा आपने फिर खटखटाया है। घर मालिक निकले, देखिए क्या है, मैं थका मान रहा हूँ, आपके घर में आया हूँ। अच्छा सर, वो आप छह महीना पहले आए थे, अरे आओ आप बैठो बैठो, आपको बड़े प्रेम से बैठाया। और घर मालिक ने कहा आप छह महीने पहले आए थे, बड़े प्यासे थे, बड़े गर्मी परेशान थे, मैंने कूलर चलाया था, पंखा चला था, बड़ा ना बैठे बैठे अभी फिर कूलर चालू करता हूँ, पंखा चालू करता हूँ, बड़ा आनंद आ गया ना। अब उसमें दुख आ जाएगा। इतने उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको अमृत डाल दूं, अमृत गया निकाले फिर से पानी नीबू से डाला और दस्तर बना आपको ले आया, कितना मजा आएगा। अब मजा नहीं आएगा, अब सजा मिलेगी। ये चीज समय को ठंडी में, ठंडी दिनों में हीटर में सुख, गर्म कपड़े में सुख, और गर्मी में उसी में दुख, पंखे में सुख, एसी में सुख, ठंडे पानी में सुख। तो बाहर का जो सुख होता है ऐसे होता है, और ये भी सोचो कुछ ऐसे सुख होते हैं, शुरुआत में सुख धीरे धीरे करके दुख बनना शुरू हुआ। जैसे आप में से किसी ने कहा मुझे रसगुल्ला खाने में बड़ा मजा आता है, रसगुल्ला मिलता है तो बहुत आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है मुझे रसगुल्ला खाने में। आपके मित्र ने कहा चलो रसगुल्ला खाने में तुम्हें आनंद आता है, हाथ में रसगुल्ला नहीं खिला देता, जितना चाहो उतना खिलाऊंगा,
अब तो ले गए दुकान में, मिठाई दुकान में, अब पूरा एक थार रसगुल्ला आपके सामने ले आया है और कहा खाओ। आप देखिए बड़ा खुश हो गए कि आज तो आप तक मुझे पेट भर सकर रसगुल्ला खाने को मिलेगा, बड़ा बहुत मजा आएगा। लेकिन ध्यान रखना, पहला रसगुल्ला आपने उठाया उसको मुंह में लेकर चबाया, बड़ा आनंद आया, बड़ा नाना आनंद आया। लेकिन ध्यान रखना, दूसरा रसगुल्ला में आनंद थोड़ा कम हो जाएगा, मिठास थोड़ी कम हो जाएगी, और तीसरा में और कम, चौथे में और कम। अब तीसरा रसगुल्ला खा गया तब तो भैया पेट नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। अब फिर खाओगे तब क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। गणित क्या कहता है, एक रसगुल्ला में एक आनंद, 20 रसगुल्ला में 20 आनंद, 50 रसगुल्ला में 50 आनंद। क्या ऐसा होता है क्या? उल्टा हो जाएगा। तो बाहर का जो सुख मिलता है ना, हर सुख के पीछे यही बात है। और एक चीज और समझ लो, बाहर का जो सुख मिलता है आपको, कहीं भी सुख कोई चीज है, वो सुख का अनुभव कब होता है, जब आपका मन एकाग्र होता है, कोई चिंता नहीं है मन में, कोई तनाव नहीं है मन में, शांत है मन, आपका एकाग्र है मन, तब बाहर का सुख मिलेगा। और मन में चिंता है, भय है, तनाव है, तो बाहर का सुख नहीं मिलेगा, दुख हो जाएगा। एक घटना फिर ले लो, जैसे मैंने भी कहा, कोई व्यक्ति कहता है मुझे रसगुल्ला खाने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, मित्र ने कहा चलो अब तुम्हें रसगुल्ला खिलाता हूं, 1 किलो रसगुल्ला ले जाए खरीद करके सामने रख दिया और खाओ। आपने देखा, अरे रसगुल्ला आया है, बढ़िया मजा आएगा खाने में। एक रसगुल्ला उठाया मुंह में ले गए हैं, मतलब खाया नहीं है। किसी नागर कहा तुम्हारा बेटा कुआं में गिर गए, मजा आएगा नहीं आएगा रसगुल्ला खाने में, खत्म। क्यों? मन चंचल हो गया, भयभीत हो गया, पीड़ित चिंता सवार हो गई, अरे बेटा कुआं में गिर गया है या मकान में आग लग गई। और उस समय जिस समय बेटा कुआं में गिर गया है, उसने कहा कि तुम्हें रसगुल्ला खाना पड़ेगा, अब मजा आएगा कि सजा मिलेगी, है ना। तो बाहर का जो भी सुख होता है, सुख बाहर के नहीं है, वो सुख है हमारे मन की एकाग्रता का, वो सुख है हमारे मन की शांति। तो जो भी काम आपको करना है, जो भी काम आपको करना है, एक बार सदैव ध्यान रखना कि मेरा मन कैसे एकाग्र हो, मेरा मन कैसे शांत रहे, फिर आप काम करते जाओगे, कहीं दुख नहीं होगा, ठंडी आएगी, गर्मी आएगी, हानि होगी, लाभ होगा, सब कुछ होगा। इसी दुनिया में रह करके आप सुखी जीवन जी सकते। यहां कबीर साहब क्या कहते हैं, सब समय मगन रहना था, सब समय मगन रहना चाहते हो, न चिंता हो मन में, न भय हो मन में, न तनाव हो मन में, सब समय मगन रहना चाहते हो, तो करना क्या है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, हर समय मगन। करना क्या है, किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत। साहब दो बात कहते हैं, मगन रहना चाहते हो, सुख से जीना चाहते हो, तो लेना भी मत और देना भी मत। अब प्रश्न होता है क्या ना ले और क्या ना दे। हम लोग, हम से मतलब आदमी, मनुष्य, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वह अकेला जीवन जी नहीं सकता, कहीं भी रहे कुछ लोगों के संग साथ ही रहे। आप लोग परिवार में है, माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई हैं, भाभी हैं, यहां आप लोग हैं,
एक दूसरे के सहयोगी हैं, मित्र हैं, संगी हैं, साथी हैं। हम आश्रम में, हम घर बार छोड़ करके आश्रम चले गए, गुरु मिल गए, गुरु भाई मिल गए, शिष्य मिल गए, आप लोग मिल गए, अकेले जीवन हम कैसे जी सकते हैं। तो आदमी सामाजिक प्राणी है, कुछ लोगों के संग साथ ही आदमी का जीवन व्यवहार चलता है, और सारा का सारा व्यवहार लेन देन का व्यवहार, बिना लेन देन का व्यवहार चल नहीं सकता। आप कुछ का कुछ पैदा आप करते हो, कुछ पैदा दूसरे लोग करते हैं, कुछ आप देते हो, कुछ लोग आप देते हो, तब व्यवहार चलता है। और सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं, लेना भी मत और देना भी मत, यदि मगर रहना चाहते हो तब। कबीरता की विशेषता यह है, जो अपनी बात संकेत में कहते हैं, जो कहना चाहते हैं वो बोल करके नहीं बताते, लेकिन थोड़ा समझो, बुद्धि का प्रयोग करो, समझ में बात आ जाए। कुछ लेना मत तो क्या नहीं लेना है, किसी की बुराई मत लेना है ना, अच्छाई लेना है, सद्गुण अच्छा व्यवहार, किसी के दुर्गुण मत लेना। वो आदमी गलत काम कर रहा है तो आगे से गलत काम नहीं, आपको किसी की बुराई नहीं लेना है, आपको मतलब हम सबको, केवल मैं आप लोग नहीं, मैं भी उसी में हूं, हम सब एक जैसे हैं। और आदमी का मन कहता है किसी की अच्छाई की नकल नहीं करता, बुराई की नकल जल्दी करता। और एक बार गलत रास्ते में पैर रखे तो पीछे हटाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जब तक आपकी बुद्धि काम कर रही है कोई गलत आदत जीवन में मत बनाना, सुख से जीना चाहिए। गलत आदत बना बना करके आदमी अपने आप को बेच लेता, गुलाम बना दे बन जाता। कल मैंने कहा था, दुनिया में मालिक बनकर के जिए आप, गुलाम बनकर के नहीं। गुलाम कौन बनाता है हमको, हमारी गलत आदत, हमारी गलत आदत। और आदमी कौन कौन सी गलत आदत बना लेता है, कैसे कैसे चीजें खाने पीने लग जाता है, कोई ठिकाना नहीं। आदमी पैदा होता है एक मासूम निर्मल निर्दोष जीवन लेकर के पैदा होता है। अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, न गाली देना जानता है, न झूठ बोलना जानता है, न चोरी करना जानता है, न मारपीट करना जानता है, न कला कल्पना करना जानता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, माता पिता भाई बंधु दादा दादी को सिखाते चले जाते हैं, संगत मिल जाती है, बड़ा हुआ संगत पढ़ने गया और कोई बड़ा हुआ संगत मिल गई, गलत आदत बना लेता। गलत आदत बनाना बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन छोड़ना। और दुनिया का बुद्धिजीवी प्राणी आदमी, सिनमो प्राणी आदमी, आज अपनी गलत आदतों में फंस करके कैसा कैसा सुख उठा रहा है, कौन कौन दुर्गति भोग रहा है, समझा जा सकता है। साहब ने कहा है कि बंदे कर ले आप देवे, आदमी स्वतंत्र है लेकिन अनेक जगह बंध गए, को बंधन से बांध गया, एक विचार ऐसा, ये जीव अनेक बंधनों बंध अनेक बंधन में बंध गया है, कैसे कैसे बंधन, भ्रम का बंधन, कल्पनाओं का बंधन, भूत प्रेत का बंधन, मंत्र तंत्र का बंधन, जादू टोना का बंधन, ग्रह लगन का बंधन, अब ये सब केवल बकवास, भूत प्रेत कहीं होते ही नहीं है। कहा जाता है हम लोग, अभी तो हम लोग अपना मिलता नहीं है, लेकिन मुझे याद है
जब मैं घर छोड़कर निकला था तो मेरी उम्र उस समय 19 साल की थी। 19 साल की उम्र में मैं घर छोड़कर निकला था और अनेक दिन ऐसा हुआ कि शमशान घाट में सोने का अवसर मिला। आप यही सुविधा थे, आज तो 45 साल पहले घर छोड़ा था, पूरा 45 साल हो गया, उसमें सुविधाएं कहां गई, न बिजली बत्ती थी देहात में, राजस्थान में कहां पता था पहले बिजली बत्ती थी देहातों में, पूरे भारत में नहीं थी। तो रात में सत्संग होता था, सत्संग कर लिए गांव में, अब सोए कहां, गर्मी के दिन तो जाते थे एकदम खुले मैदान में, कहीं नदी किनारे शमशान है घाट है वहां सो जाते। कितने दिन शमशान घाट में सोए, एक दिन हमको न भूत मिला, न प्रेत मिला, न पिशाच मिला, न शैतान मिला, हाँ कोई जानवर मिल गया, कभी उल्लू पक्षी बोलने लग गया, कभी कुछ बोलने लग गया, तो उससे क्या होने वाला। ये भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगन शकुन अपशकुन केवल मन के जाल हैं और आदमी के दिमाग को कमजोर करने वाले हैं। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे विद्वान और साधु महात्मा कराने वाले लोग भी इस जाल में बंद करके गुलाम बन करके जीते। कहा जाता है जो कहते हैं भूत अमुदा भूत होता है, गया दिन में कि वहां तो भाई वहां तो भूत दिखाई नहीं पड़ता, अरे महाराज भूत दिन में थोड़ा दिखाई पड़ता है, दिखाई कब पड़ता है, रात में अंधियारी में। इसका मतलब समझते हो, जिसके जिसके दिमाग में अंधियारा है उसके उसके लिए भूत है बस, और जिसके दिमाग चार बुरे विचार बांध करके भाग जाता है। इस चक्कर में कभी मत पड़ना, मंत्र आप जपते हो जपो, क्या फायदा होगा मंत्र जपने से, मंत्र जब जपोगे श्रद्धा पूर्वक तो आपका मन एकाग्र हो जाए। बाहरी जो बातें हैं, बेकार बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, निगेटिव बातें हैं, वो बातें आपके दिमाग से खारिज हो जाएगी और मन एकाग्र हो जाएगा। ये मंत्र जपने का, नाम जपने का यही फायदा है, जब हम किसी मंत्र को किसी नाम को जपते हैं तो उस मंत्र में हमारा मन कंसंट्रेट हो जाता है, और मन जब कंसंट्रेट हो जाता है तो हमें शांति मिलती है। तो मंत्र जब का ये फायदा, अच्छे विचार आते हैं, सात्विक भावना होती है, संस्कार अच्छे बनते हैं, अपनी इष्ट की गुरु की याद आ जाती है, तो ये फायदा है। लेकिन आप ये सोचोगे कि हम अमुक मंत्र का जप करेंगे हमारी फैक्ट्री में फायदा हो जाएगा, यदि फैक्ट्री फायदा होता ना तो भारत में कोई फैक्ट्री बंद ना होती, सबको तो मंत्र का जप करके रहे। अब पूजा करते पूजा करो, क्यों, अपने मन की सात्विक भावना के लिए, अपने जो इष्ट है उसकी याद के लिए, मानसिक प्रसन्नता के लिए पूजा करो। लेकिन ये सोचोगे कि हम पूजा करेंगे हमारा लाभ हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। यहां भी आप लोग आए, आप लोग भी करते होंगे, पूरी दुनिया में दीपावली के दिन भारत में और नेपाल में लक्ष्मी की पूजा होती है, या भारतीय लोग जो बाहर गए हैं, जैसे आप लोग आए हैं, आप लोग लक्ष्मी पूजा करते होंगे दीपावली के दिन, अच्छी बात है, चलो याद कर लो। लेकिन यदि लक्ष्मी की पूजा करने से धन मिलता तो आपको भारत को दुबई आने का आवश्यकता न, लक्ष्मी की पूजा करने से धन बढ़ जाता तो भारत में एक भी आदमी गरीब नहीं होता, एक आदमी भीख मंगा नहीं होता, सब तो पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी पूजा कर करके धनवान कितने लोग हुए हैं आप लोग बताओ। सरस्वती की पूजा, सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है, लोग विद्यालय खुलते हैं, बच्चे आते सरस्वती की पूजा कर बना कर, अच्छी बात है, चलो भावना है, गलत नहीं पूजा करना। लेकिन अरे सरस्वती की पूजा करने मात्र से विद्या आदि भारत में ही आतंक उठा था ना, हो पढ़ाई करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। हनुमान जी असिद्धि नवनिधि के दाता माने जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करो सारी कामनाएं पूरी हो जाए, सारा पूर्ण हो जाएगा,
अच्छा हनुमान जी कोई पूजा करता है, अच्छी बात है। हनुमान जी स्वामी भक्त है, सेवा परायण है, त्यागी है, ब्रह्मचारी है, सब कुछ है। थोड़ी देर रुक जाओ, प्रवचन के बाद सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो हनुमान की पूजा करना गलत नहीं है, हनुमान की पूजा करता है हनुमान के जीवन के आदर्श को अपनाना। लेकिन हनुमान जी की पूजा से हमारा काम बन जाएगा, यदि हनुमान की पूजा से ताकत मिलती ना तो सारे खेल के बोर्ड में अगर केवल भारत वालों को मिलता, बाहर वालों को नहीं मिलता। लेकिन होता क्या है, समझ रहे हो ना, मैं पूजा करने खंडन नहीं कर रहा, लेकिन खाली पूजा के बल पर बैठोगे कभी कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी तकदीर में जो होगा वही होगा, मेहनत जो करोगे वही होगा, पूजा तो कुछ नहीं होने वाला। जब ये कहते हो कि विधाता ने जो लिख दिया है वही होगा, तो लोभ में पड़े पूजा का है कर रहे, कर्म तो नहीं कर। कर्म ही पूजा है। तुम्हें महापुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो पूजा करके बड़े नहीं हुए। राम पूजा करके बड़े नहीं हुए, कृष्ण पूजा करके बड़े नहीं हुए हैं, हनुमान पूजा करके बड़े नहीं हुए हैं, बुद्ध महावीर पूजा करके बड़े नहीं हुए हैं, कबीर महावीर पूजा करके बड़े नहीं हुए हैं। जीवन को तपा करके बड़े, कर्म करके बड़े हुए हैं। अब मेहनत करो, अब पूजा करो मन की शांति के लिए। पैसे के लिए पूजा मत कर, धोखा खा जा। मैंने कहा ना, यदि पूजा से पैसा मिलता तो आपको भारत छोड़कर दुबई जाने की आवश्यकता न पड़ती, वही मिल गया होता पैसा खूब चकाचक। तो मानसिक प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की याद के लिए पूजा कर। पूजा करने से काम बन जाएगा तो सबका काम बन गया। कभी किसी ज्योतिषी को हाथ मत दिखलाओ, हाथ दिखलाना ही हाथ, हाथ दिखलाओ मत, हाथ से काम करो। जो किसी खुद अपना भाग्य नहीं जानता है, आप तो भाग्य को क्या बताएंगे, किसी भाग्य को बताएगा। एक बड़े ज्योतिषी थे, बड़े भविष्य बताने वाले, कहते थे मैं सबको भविष्य बता सकता हूं, और मेरे बताया बताया भविष्य सच्चा होता। बड़ी प्रसिद्धि हो गई, प्रसिद्धि फैलते फैलते वहां के राजा तक उसकी प्रसिद्धि फैल गई। मंत्री ने भी राजा से कहा कि हुजूर अमुक ज्योतिषी भविष्यवक्ता बहुत बड़े जानकार हैं भविष्य के, आप उसे बुलाकर अपना भविष्य जान लें। राजा ने कहा देखो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकते, हुजूर पहुंचे हुए भविष्यवक्ता हैं, पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, किसी भाग्य पूरा पूरा बता देते हैं। अच्छा, तो राजा ने वो ज्योतिषी, वो जो ज्योतिषी था भविष्यवक्ता, उसके पास संदेश भेजवाया कि कल 10 बजे मेरे दरबार में हाजिर हो मेरा भाग्य बताने के लिए। वो तो खुश हो गए, महाराजा ने बुलाया है, वहां जाऊंगा तो क्या पूछना, मेरा तो भाग्य खुल गए, खूब दान दक्षिणा मिले। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा, सब बैठे थे, भविष्यवक्ता आया, और जैसे आया वैसे राजा ने अपने दो सिपाहियों से कहा इसे खुद बेत लगाओ। खूब बेत जोर जोर से बेत मार, एकदम चिल्लाने लगा, खूब आधा घंटा तक बेत से पिटाई हुई। राजा ने कहा अच्छा छोड़ो, इसे ले जाओ, मलहम दवा दारू करो, कुछ मलहम पट्टी लगाओ, फिर थोड़ा सांस कर लिया। ले गए, मलहम लगाए, दवाई दिए, कुछ हो गए, आए बैठाए। राजा ने पूछा बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है, तुम क्या जानते हो। कहा हुजूर मैं ज्योतिषी हूं, भविष्यवक्ता हूं, किसी का भी भविष्य हूबहू बता सकता हूं। राजा ने कहा बेवकूफ, तुम्हें यह पता नहीं था दरबार में जाऊंगा पीटा जाऊंगा, अपना भविष्य जानता तो मेरे यहां तुम आते ही क्यों, कौन जानता किसी के भविष्य। इसलिए किसी ज्योतिषी को अपना हाथ भी दिखलाओ मत, हाथ से काम करो।
आपको मेहनत आपके लिए ज्योतिषी बन जाएगा। इस सब चक्कर में पढ़ करके साधु मिलेंगे भटकाने वाले, ज्योतिषी मिलेंगे भटकाने वाले, पंडित पुजारी मिलेंगे भटकाने वाले, पैगा और दुनिया मिलेंगे भटकाने वाले, और आप लोभ में पड़ जाओगे, भटक जाओगे। कहीं भी लोभ आएगा आपके मन में, कहीं भी लोभ आएगा, बिना मेहनत के अधिक धन चाहोगे तो ठगने वाले आपको मिलेंगे जरूर, और ठगा भी जरूर। जब आप ठगना चाहोगे तो ठगने वाले मिलेंगे मिलेंगे आप। इसलिए कभी इनके पास जाओ मत। आप मेहनत करो, आपकी तकदीर में जो है वो आपको मिल करके। एक बात याद रखना, दुनिया में ऐसे बदमाश लोग हैं जो जबरदस्ती करके आपके मकान को छीन सकता है, आपकी जमीन को छीन सकता है, आपकी गाड़ी को छीन सकता है, आपके पूरा जमीन धन रुपए पैसे सबको छीन सकता है। छीनते ही लोग जानते ही हैं, और यहां तक आपके शरीर में पहने हुए कोई गहना है वो छीन लेगा, अब शरीर में जो पहना कपड़ा है वो भी छीन लेगा। लेकिन विश्वास रखो, दुनिया में किसी में ताकत नहीं है आपकी तकदीर को छीन सकते, किसी में ताकत नहीं आपकी तकदीर को छीनने, किसी में ताकत नहीं। कहीं कितनी भी आग लग जाए, आपकी फैक्ट्री जल जाएगी, मकान जल जाएगा, आपकी तकदीर नहीं जलने वाली। कितनी भी बाढ़ आ जाए, आपकी तकदीर बहेगी नहीं। अपनी तकदीर पर विश्वास करो और अपने कर्म पर विश्वास करो, ये तो आपका असली भगवान है। और जिन्होंने अपने भाग्य पर विश्वास करना छोड़ा और अपने कर्म पर विश्वास करना छोड़ा, 1,00,000 भगवान आकर कुछ आदमी का बेड़ा पार नहीं कर सकता। अरे सुंदर हाथ मिले हैं, पैर मिले हैं, बुद्धि मिली है, आंख मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है, फिर क्यों ख्याल होगा आप लोगों को। कहा जाता है, लिखा भी है, जब ये पता चल गया कि रावण सीता को हर करके ले गया है और अशोक कनिका में कैद करके रखा हुआ है, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, सारी बांदरी सेना के साथ राम और लक्ष्मण रामेश्वर में समुद्र के तट पर पहुंच गए। अब समुद्र में पुल बना करके पार करना है, बिना समुद्र को पार के लंका में जा नहीं सकते, कैसे जाएं? तब कहा जाता है, गोस्वामी जी ने लिखा है, वाल्मीकि रामायण ने भी लिखा है, राम वहां पूजा करने पर ये समुद्र देवता हमें रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो, दो 3 दिन तक बैठे रहे। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया ये तो कुछ नहीं होने वाला है। लक्ष्मण इतनी बड़ी बात कहती है, ये छोटे भाई ने अपने अपने बड़े भाई के लक्ष्मण सदैव राम के पीछे चलने वाले हैं, जो राम कह देते हैं चाहे चेहरे जलवा लक्ष्मण को करने के लिए तैयार। लक्ष्मण राम के बिल्कुल छायक भांति चलते हैं, वो राम के पीछे पीछे एकदम समर्पित है लक्ष्मण राम के लिए। लेकिन जब राम यहाँ पूजा कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बात कहते हैं लक्ष्मण, एक छोटे भाई के हो बड़े भाई के कहो, लक्ष्मण क्या कहते हैं, भैया कादर मनकर एक धारा देव देवासी पुकारा, तुम भैया आप कायर बनकर बैठे हुए हो, ये कायरों का काम है देव देव भगवान भगवान पुकारना है, कादर मनकर एक धारा देव देव, जो आसी लोग हैं कायर लोग हैं वो पुकारते हैं देव देव, धनवा बाल लो अपना काम करो। तब क्या हुआ, राम धनवा बाल उठाते हैं, कहते हैं समुद्र हाथ उल्टा आ जाते हैं, जब तो पूजा कर रहे थे गिर गया था ना, तब समुद्र हाथ नहीं आया, सामने नहीं आया, और धनवा बाल उठाया तब सामने आया। ये लक्ष्मण ने कहा है राम को कादर मनकर एक धारा देव देव आलसी पुकारा, इतनी बड़ी बात कह देते हैं। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं,
ना काहुई कोई सुख दुख दाता नित कृतकर्म भोग सुनो गाता। तो इसलिए अब जो पूजा करते हो पाठ करते हो मैं तो मना नहीं करता, लेकिन अब पैसा पाने के लिए करोगे, नौकरी पाने के लिए पूजा करोगे, बीमारी से बचने के लिए पूजा करोगे, धोखा। बीमारी हो गई है परहेज करो, संयम करो, आराम करो और दवाई करो। नौकरी पाना है अच्छा खूब पढ़ो लिखो मेहनत करो, पैसा पाना है मेहनत करो, जो करो उसके लिए मेहनत करो। आपका कर्म आपके लिए भगवान, आपके गलत कर्म आपके लिए शैतान। ध्यान रखना, यदि हमारे कर्म गलत है हमें भगवान कहलाने वाले भी सुखी सुख नहीं दे सकते हैं, और हमारे कर्म यदि अच्छे हैं तब हमें भगवान की आवश्यकता। उदाहरण ले लो, क्या मैं मत समझना कि मैं खंडन कर रहा हूं, खंडन यहां मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कर्म पर विश्वास करने के लिए। शास्त्रों में लिखा है आप वाल्मीकि रामायण पढ़ कर देखो, जो बासी से पढ़ करके देखो, गुरु गोस्वामी के मानस पढ़ देखो, हजरत कर्म की बात आता है। कर्म हमारी गलत है ना भगवान क्या करेंगे। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, सब जानते हैं ना, किसने जुआ खेला, कहते हैं भगवान मिल जाएगा एक क्षण के लिए, बेड़ा पार कर देगा, सब दुख खत्म हो जाएगा। पांचों पांडवों को भगवान कृष्ण मिले हुए थे, 12 साल तक भटकते रह गए पांडव, पांचों भगवान ने क्या किया, भगवान ने कुछ किया उनके लिए। पांडव कर्म में खराब है भगवान क्या करेंगे, जब उन्होंने कर्म किया भगवान ने कहा था जाके कि तुम जुआ खेलो, जैसा कर्म किया वैसा भगवान ने फल दिया उन्होंने। तो श्री कृष्ण पांडवों के साथ में हैं और पांडवों को 12 साल तक वनवास में भटकना पड़ गया, भगवान ने कौन सा दुख दूर किया उनका, जब कर्म खराब है तो क्या करेंगे। भगवान तो मिले हैं कर्म खराब है भगवान क्या करेंगे। कहते हैं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा दशरथ के यहां स्वयं बेटा बन करके राम रूप में पैदा हुए थे। ये कहानी सुना है ना आप लोगों ने, परमात्मा ही भगवान ही दशरथ के यहां बेटा बन करके पैदा हुए थे। लेकिन क्या हुआ, दशरथ के कर्म खराब है भगवान का करेगा, तड़प तड़प करके मर गए दशरथ, भगवान ने दुख दुख किया क्या। राम लक्ष्मण जंगल चले गए, बड़े शत्रुघ्न मामा के यहाँ है, तड़प तड़प करके मर गए दशरथ, भगवान ने कौन सा दुख दूर किया। क्योंकि कहा जाता है श्रवण कुमार को मारा था दशरथ ने, उसका फल भोगना पड़ा था। तो जब कर्म ही खराब है भगवान क्या करेंगे हमारा, हम गलती क्या करते हैं, हमारी आदत खराब, हम लोभ में पड़ गए हैं, क्रोध में पड़ गए हैं, अब पता नहीं किस किस में पड़ गए, कर्म खराब करते हैं और भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं। क्या भगवान मालूम नहीं है हमारे कर्म के बारे में। जब हम ये कहते हैं भगवान कण कण का जानने वाला है, तो हमने खराब कर्म किया है भगवान मालूम नहीं है। तब तो हमने जो कर्म किया है फल उसको दे देना भगवान, अच्छे कर्म करो। अब किसी पीछे भगवान शब्द में चले, कभी कहा कि साक्षी है, यह मन तो निर्मल होया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी भरे कहत कभी कब। इसलिए सबका फल है कर्मों की निर्मलता, कर्मों की उज्जवलता, उज्जवलता। अब मंदिर जाते हैं अच्छा है, जिस मंदिर में जाते हो आप जाओ, राम मंदिर में, शिव मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, गोपाल मंदिर में, हनुमान मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, जहां आपकी भावना है जाओ, जो पूजा करना आप करो। लेकिन याद रखना मंदिर जाने का अर्थ क्या होता है, मंदिर हम क्यों जाते हैं। मंदिर जाने का अर्थ होता है हमारे जीवन का मंदिर बनना, हमारे मन का मंदिर बनना और हमारे परिवार का मंदिर बनना। जब हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा परिवार मंदिर बन गया तो मंदिर में जाकर पूजा करना सफल हो गया। यदि हमारा जीवन, मन और परिवार मंदिर नहीं बना, जिंदगी भर मंदिर जाते रह जाओगे, जो बिल्कुल दूर रहने वाला नहीं है। अब प्रश्न होता है
जीवन मंदिर कैसे बनेगा? जीवन मंदिर बनेगा अच्छे कर्म से, पुरुषार्थ से, मेहनत से, सदाचार से, सद्गुण से जीवन मंदिर बनेगा। मन मंदिर बनेगा अच्छे विचारों से, चिंतन से, ध्यान से, भजन से। और परिवार मंदिर बनेगा प्रेम से, सेवा से और विश्वास से। जितने भी लोग परिवार में हैं, पत्नी है, पति है, माता है, पिता है, बेटे हैं, बहू हैं, बाल बच्चे हैं, जो भी हैं, सबका प्रेम, सेवा, समता, विश्वास, स्नेह का व्यवहार करो, आपको परिवार में अच्छा चिंतन करो, अच्छे विचार करो, अच्छी भावना मन में रखो, मन मंदिर बन जाएगा। अच्छे कर्म करो, जीवन मंदिर बन गया, बस आपको मंदिर जाना सफल हो गया। ये मंदिर जाने का फल है। मंदिर जा रहे हैं, कर्म पर कोई ध्यान नहीं, मन पर कोई ध्यान नहीं, परिवार में रात दिन झगड़ा कर रहे हैं, मंदिर में क्या भगवान क्या करेगा? क्या भगवान ने कहा है आपको झगड़ा करने को? हम भटक चुके हैं रास्ता, इन्हें सब कुछ करते हुए भी हमें शांति नहीं मिली। अब मंदिर जाते हो, दिया जलाते हो, भारतीय परंपरा में रिवाज है मंदिर में दिया जलाने का। क्यों? रात का अंधकार हो और मंदिर में दिया जला दो, प्रकाश हो जाएगा, ताकि लोग जो आए उनको ठोकर न लगे, कहीं कोई चीज पर पैर न रखे, नुकसान ना हो। तब फल है, सूरज निकल गया है, दिन का प्रकाश फैला हुआ है, और फिर भी आप मंदिर में जला रहे हो दिया, मतलब क्या होता है? क्यों दिया जला रहे हो? जरूरत क्या दिया जलाने की? क्या मंदिर में बैठे भगवान को दिए की आवश्यकता है? प्रतीक है वह, हम प्रतीक को पकड़ लिए, सच्चाई को भूल गए। किस बात का प्रतीक है? जीवन का प्रतीक। मंदिर में बैठे भगवान को दिए की आवश्यकता नहीं है, दिए की आवश्यकता है यहां बैठे भगवान। तो मंदिर में आप जलाते हैं ना दिया, जला। और एक चाहे एक काम करना, अब तक जो समय बीत गया ना बीत गया, कभी आप मंदिर जाते हो और दिया जलाओ तो एक काम करना, वो काम क्या है? चाहे खड़े होकर चाहे बैठ कर, आंख बंद कर लो, हाथ जोड़ लो और ये प्रार्थना करो। आपके गुरु का चित्र है या किसी के महापुरुष का चित्र है, आप भगवान मानते हो, ये प्रार्थना करो। हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी मूर्ति के सामने, आपके मंदिर में मैंने ये दिया जलाया है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे मन मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म का दिया जल जाए, बस जीवन बदल जाए। और जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म का दिया नहीं जलेगा, जिंदगी भर जलाते रह जाओ, मंदिर में दिया रहोगे जहां के तहां, कोई उपाय, कोई फल बनने वाला नहीं। मंदिर में दिया जलाते जलाते तो जिंदगी बीत गई, अब भीतर का अंधकार दूर हुआ क्या? क्योंकि ज्ञान का दीपक तो जला ही नहीं, प्रेम का दीपक जला नहीं, धर्म का दिया जला ही नहीं है। कहां से सुख मिलेगा? कहां से शांति मिलेगी? कहां से कल्याण होने वाला है? इस बात पर विचार। मैं मूल बात पर चलता हूं अपनी, कुछ लेना ना देना मगन रहना, यहां बात कि किसी कुछ लेना नहीं है, मतलब किसी की बुराई की नकल नहीं करना। एक चीज और कह देता हूं, मैंने बात कही थी कि आदमी देख देख करके, देख देख करके सीख जाता है गलत आदतें, गलत काम, और जितनी गलत आदतें बनाते गया आदमी उतना दुखी होता है, उतना गुलाम बनता है, उतने अपने अपने आप को बेचता चला जाता है। और बेचते 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 आदमी ने इतना बेच दिया, अपने को इतना बेच दिया है कि आदमी को कोई कीमत आज आदत दुर्व्यसन। पता नहीं आप लोगों में से कोई दुर्व्यसन करता, मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन मैं ये काम ना करता हूं, उतना दूर से आप धन कमाने आए हो, तो दुर्व्यसन का सेवन करते हैं।
लेकिन दुर्व्यसन कोई भी हो, चाहे गुटखा हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, चाहे शराब, सब जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। और आदमी कितना गुलाम बन गया है जरा सोचो, कितना कमजोर बन गया जरा सोचो। आदमी की ऊंचाई 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट की होती है समान रूप से, 5.5, 6 फीट के आदमी होता है। जब आदमी बना लेता है आदत तो कैसा होता है, 6 फीट के आदमी को 2 इंच की बीड़ी नचा रही है या नहीं? कितना गुलाम बना है आदमी, 6 फीट का आदमी और 2 इंच की बीड़ी से गुलाम बनाकर कहां कहां भटका रही, हाथ फैला रही है। आदमी कहता है मर जाऊंगा, किसी का आदमी भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन बीड़ी के लिए भीख मांगता है, जिसके बिना जी सकता है आराम से। कितना गुलाम बना हुआ है आदमी, अरे थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। आदमी का वजन 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 किलो का आदमी होता है, समातर 65, 70, 80 किलो का आदमी होता है। जब आदमी बना लेता है आदर बनाता है, दुर्व्यसन बनाता है, कितना गुलाम होता है, 70 किलो के आदमी को आधा ग्राम का गुटखा नचाता है नहीं है? आधा ग्राम का गुटखा, आधा ग्राम का तंबाकू 70-75 किलो के आदमी को नाचना चाह रहा है। नहीं मिला तो परेशान, नहीं मिला तो टट्टी नहीं उतर रहे, नहीं मिला तो पेट फूट रहा, नहीं मिला तो भोजन में छूट रहा, कितना गुलाम बन जाएगा आदमी। अब भक्ति भी कर रहे हैं भगवान की, भगवान की भक्ति कर रहे हो कि तंबाकू की भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो कि बीड़ी की भक्ति कर रहे हो, जरा सोचो तो कि भगवान न मिलेगा एक दिन तो चलेगा, लेकिन एक दिन, लेकिन दिन भर में 5 बार गुटखा न मिले तो नहीं चलने वाला है। तो भगवान से बड़ा आपका तो बड़ा तो आपका गुटखा हो गया है। भगवान के मंदिर में ना जाओगे एक दिन तो चलेगा, लेकिन बीड़ी ना मिले तो मिले तो न चलते तो, मतलब भगवान से बड़ा आपकी बीड़ी बन गई। किसकी भक्ति कर रहे हो, तंबाकू की, गुटके की, बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की? क्या आपका भगवान खुश होगा? क्या आपका हृदय बैठा था मंदिर बैठा भगवान खुश हो सकता है? कभी खुश नहीं होने वाला है, चाहे जितनी पूजा कर लो, रास्ता भटक चुके हो। और आप लोग में से यदि किसी की आदत हो कुछ खाने पीने की, एक निवेदन में और करता हूं, ऐसी कोई चीज मत खाना जिसे खाने के लिए आप अपनी पत्नी और बच्चे को देने में संकोच करो। अब सोच लो अपनी पत्नी को क्या खाने दे सकते हो खाने को, अपने बेटे को क्या खाने दे। ऐसी कोई चीज मत पीना जिसे पीने के लिए आपकी पत्नी मांगेगी तुम इतने देर पी रहे हो मुझे भी दे दो ना बेटा, हमें पीजा देना तो तुम दे नहीं पाओगे। अब सोच सकते हो यदि शराब पीते होगे और तुम्हारी पत्नी मांगेगी तो दे पाओगे क्या, बेटा मांगेगा तो दे पाओगे क्या, बीवी मांगे पीते होगे कि दे पाओगे क्या, गुटखा खाते हो तुम्हारी पत्नी मांगेगी राम मुझे गुटखा दे दो, तुम्हारे बेटा मांगेगा दे पाओगे क्या? तो ऐसी कोई चीज मत खाना जिसे खाने के लिए आप अपनी पत्नी और बेटे को न दे पाओगे। ऐसी कोई चीज मत पीना जिसे पीने के लिए आप अपनी पत्नी और बेटे को न दे पाओगे। खाने में तमाम चीजें हैं, सुख से जीना है तो ये रास्ता। दुर्भाग्य यह है आदमी जितना कमाता है उसका 10-20-25% हिस्सा तो पता नहीं कहां कहां उड़ा देता है। इसीलिए आदमी को मैं मूल बात पर आता हूं, साहब कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना चाहते हो तो किसी की बुराई मत लेना, पहली बात, अच्छाई को लेना और देना भी मत। क्या मत, क्या नहीं देना, किसी को दुख मत देना, कुछ लेना मत, मत देना मत, मतलब किसी की बुराई को लेना मत और किसी को जानबूझ करके दुख देना मत। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, 4 वेद शास्त्र में बात मिली है, दो सुख दिन है सुख होते है, दुख दिन है दुख, सरल से बात है, सब कुछ इसी में आ गया। ये सोचो कि मैं अपने लिए क्या चाहता, तो आप अपने लिए जो चाहते हो वही दूसरे को देना और अपने लिए जो नहीं चाहते हो दूसरे को न देना।
अपने लिए हम प्रेम चाहते हैं, दया चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, करुणा चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, ये दूसरों को तो अपने लिए अपमान नहीं चाहते, तिरस्कार नहीं चाहते, गाली नहीं चाहते, झूठ नहीं चाहते, क्रोध नहीं चाहते, घाटा नहीं चाहते, निंदा नहीं चाहते, ये देना बंद कर दो। ये हमारा जीवन ये खेत है और खेत में हम जो फसल बोते हैं, गेहूं बोएंगे गेहूं बीज डालेंगे गेहूं फसल होगी, धान के बीज डालेंगे धान फसल होगी, मक्का बाजरा डालेंगे मक्का बाजरा फसल होगी। ऐसे ही हम जो कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं बीज बो रहे हैं। आप सोच रहे हो बीज बो रहे हो, बोल रहे हो बीज बो रहे हो, कर रहे हो बीज बो रहे हो, और उसी का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, कोई दूसरा काटने वाला नहीं। खेत में आप बीज बो दो, फल आप चला दो, हो सकता है फसल आपका नौकर काट ले, बेटा काट ले, पड़ोसी काट ले, पत्नी काट ले, लेकिन आपने जीवन में जो बीज बोया है उसकी फसल तो दूसरा काटने वाला नहीं, आपको ही काटना पड़ेगा। कोई भी नहीं काट पाएगा, कोई भी नहीं काट पाएगा, आपको काटना पड़ेगा। अब सोचेगा आप क्या चाहते हैं, मगन रहना चाहते हैं ना, तो साहब कहते हैं कुछ लेना मत और कुछ देना मत, मतलब किसी की बुराई मत लेना और किसी को जानबूझ करके तकलीफ मत देना। गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहे, एक नदी बहुत गहरी है, नाव पुरानी है टूटी हुई है, उस पुरानी और टूटी हुई नाव से हम गहरी नदी को पार नहीं करते। करना क्या है, केवटिया से मिले रहना, ताकत जो मल्लाह है नाव चलाने वाला है केवट, उससे मिल करके रहे। ये नदी बाहर की नदी नहीं, ये जो मल्लाह है वो मल्लाह नहीं जो नदी में नाव चलाता, ये जो नदी है हमारे मन की नदी, भीतर की नदी, और मन की नदी में इतना पानी है, इतना पानी, इतना पानी है, इतना गहरा है, इसका थाह लगाना मुश्किल है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, उसकी थाह लगा ली गई, लेकिन मन के इतना गहरा है कोई था नहीं। और हमारी जो नाव है इच्छा कामना वासना तृष्णा लोभ मोह राग द्वेष भ्रम कल्पना, इस सब के पानी में इस मन की नदी में बह रहा है और बहुत तेजी से बह रहा है, और हमारा विवेक कमजोर, हमारा संयम कमजोर, हमारा कर्म कमजोर, जाना पार है, करना क्या है, ये बचिया से मिलेगा। साहब कहते हैं जो मल्लाह है उससे मिलकर के, मल्लाह कौन, सदगुरु, गुरु या सदगुरु बातें थी वो मल्लाह। अब प्रश्न ये हो सकता है कि गुरु कौन हो सदगुरु कौन, भारत में तो आज गली गली में घूम रहे हैं गुरु, यहां दुबई में तो मिलना मुश्किल है, लेकिन भारत में गली गली में घूम रहे हैं गुरु, इतने गुरु हैं कि ठिकाना नहीं, और हर गुरु ये दावा कर रहे हैं कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हारे भगवान से तुम्हारी मुलाकात कर भगवान दर्शन कर दूंगा। एक चीज याद रखना, जो गुरु ये कहते हैं ना हमारे पास आओ हमसे दीक्षा ले लो हमसे मंत्र ले लो हम तुम्हें भगवान से तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे, तो गुरु अपना हाथ जोड़ करके महाराज आपने भगवान को देखा है नारायण देव देखा वो साधन लगाएगा आप महाराज हो जाएगा, तो खुद ही नहीं देखा बेचारों को कहां से देख लाएगा आपको, झूठा एकदम झूठा भगवान दर्शन करवाना कोई गुरु नहीं करवा सकता, और जो गुरु कहते हम दर्शन करवा देंगे समझना दो नंबर का गुरु। गुरु पहचान क्या है,
कौन सा कपड़ा पहनने वाला, मेरे जैसे कपड़े पहनने वाला या लाल कपड़े पहनने वाला, बाल मुरझाने वाला या बाल बढ़ाने वाला, माला पहनने वाला या वाला नहीं पहनने वाला, कौन गुरु? गुरु पहचान क्या है? कोई पहचान। हर कपड़े मेरे कपड़े में, आपके कपड़े में, इनके कपड़े में, किसी कपड़े में गुरु हो सकता है, किसी जाति में हो सकता है, किसी मजहब में हो सकता है। गुरु पहचान क्या है? सिर्फ दो पहचान, और दोनों एक ही बात है। जिसका ज्ञान सच्चा हो और जिसके जीवन का आचरण सच्चा, बस ये गुरु पहचान। जो ज्ञानवान हो और चरित्रवान और वैराग्यवान हो, बस ये गुरु पहचान। सही ज्ञान होना चाहिए, और सही ज्ञान में भ्रम नहीं होगा, कल्पना नहीं होगी, भटका नहीं होगा, अंधविश्वास नहीं होगा, और झूठा नुस्खा नहीं देगा बेटा तुम ये कर लो तो वो कर लो तो वो कर लो, वो सही बात बताएगा। तो सही ज्ञान जिसके पास है, और ज्ञान के साथ साथ सही आचरण भी जिसके पास, सही वैराग्य हो, सही चरित्र जिसके पास, वो गुरु है, चाहे कहीं का हो। ऐसे गुरु जिसका मिल जिसमें मिल गया ना, वो महासौभाग्यशाली। जल्दीबाजी में किसी को गुरु मत बनाना, लोभ में पड़ करके बने बनाना, अन्यथा धोखा खाओ। देखो परखो भालो तब गुरु बनाओ। और यदि किसी को आपने गुरु बना भी लिया, दीक्षा ले भी लिया है, और यदि उस गुरु से सच्चा बोध नहीं मिला है, तो हमें उस गुरु को उपकार तो मानना है, उन्होंने रास्ता बताया, लेकिन सही बोध माना है तो कितने किसी ऐसे जो सच्चे गुरु हैं उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन किसी के कहने से नहीं, अपना जो कॉन्शस अलाउ करे, अपने विवेक जब अलाउ करे तब। तो यहां साहब कहते हैं, मन की जो नदी है बड़ी गहरी, अब बड़े बड़े चट्टाने हैं, अरे कबीर साहब ही नहीं कह रहे हैं, बहुत दिनों से बात चली आ रही है। दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद। भारत में चार वेद माने गए हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। इन चारों में सबसे बड़ा वेद है और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इससे पुरानी पुस्तक दुनिया में अभी तक कोई मिली नहीं है। उस ऋग्वेद का एक मंत्र है, अश्मनवती रीते समन मध्यम, अश्मनवती रीते समर्पण उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया, अत्रा जहां यह सन सेवा शिवान उत्तरे मैं बाभिभाजा। पहली पंक्ति से मेरा मतलब है, अस्मनवती रीते समर्पण उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया। जो बात कबीर साहब कह रहे हैं ना, कबीर साहब हजारों साल पहले ये बात ऋग्वेद में कहा गया। ऋषि कहते हैं, पत्थरों से भरी हुई एक नदी है, अब बहुत जोर से उसका पानी बह रहा। पहाड़ी नदी को आपने देखा हो, कहीं जाओ उत्तराखंड में, हिमालय के जहां से हिमालय गो से गंगा निकलती है, लगता है पानी इतना है बह जाओगे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तो धारा बड़ी तेज होती है। पथरीली नदी को, पहाड़ी नदी को पार करना सहज नहीं होता है, उसे भी पार कर लोगे। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार के बड़े बड़े पत्थर भरे हुए हैं, और वासना के पानी, तृष्णा के पानी बहुत तेजी से बह रहा है। समर्पण, सावधान हो जाओ, उत्तिष्ठत खड़े हो जाओ, और प्रतरता अच्छी तरह से पार, धैर्य, विवेक, पुरुषार्थ, सावधानी, और अच्छे सच्चे गुरु की शरण। जिसके पास होगा वो मन की जो नदी है उसको पार कर सकेगा, अन्यथा सबको डूबना नहीं है। बाहर वो नहीं डूबता है, बाहर लोग नहीं डूबते हैं, भीतर डूब रहे हैं। ये डूबने से बचना है तो सच आवश्यक है संतों की संगत, कहीं के संत हो, अच्छे संत होना चाहिए बस। जो भी सही बात बताए, जो हमें लोभ ना दे, शॉर्टकट रास्ता ना बताए। शॉर्टकट रास्ता चक्कर में पड़ोगे तो लंबा जो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट के लिए कहा जाता है, शॉर्टकट मतलब क्या होता है जानते हो? शॉर्टकट में यू कट शॉर्ट, शॉर्टकट मतलब क्या होता है?
मे यू कट शॉर्ट, वो है शॉर्ट कट। इस चक्कर में पढ़ोगे धोखा खा जाओगे। लॉन्ग रूट में चलो, सही रास्ता पर पकड़ो तो मंजिल मिले। मास्टर तो का बना पिंजरा, तामे बोले मेरी मैंने। एक पिंजरा है जो पांच तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश। हमारा शरीर पिंजरा, ये पांच तत्वों से ये बना हुआ है, लेकिन ये शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर के भीतर एक ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वही मूल्यवान है। उसे हम जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह सोल कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं, उसी को परमात्मा भी कहा गया, उसी को ईश्वर भी कहा गया। आपके भीतर जो चेतन बैठा हुआ है, जो राम बैठा हुआ है, उसको समझने की कोशिश अगर असर तो कोशिश करने। अगली पंक्ति में साहब ने कहा है इसको, तो शरीर सब कुछ नहीं है, जीव बैठा है। जब तक जीव है ना, इस शरीर की कीमत है। और जीव निकल जाएगा तब, शरीर में जब तक जीव है तब तक गुरु गुरु है, माता माता, पिता पिता है, बेटा बेटा है, पति पत्नी है, पत्नी और पति पति है। जब जीव निकल जाता मिट्टी। शरीर का ज्ञान है, जीव का ज्ञान कुछ नहीं। वो कहानी कही जाती है, आप लोग सुने हैं कहानी, या मैं याद दिला देता हूँ, दोहरा देता हूँ, पांच दस दिन बाद अपनी बात समाप्त भी करूंगा मैं। एक राजा के पास एक घोड़ा बेचने वाला आया। तो कहा, हुजूर मैं घोड़ा बेचने लाया हूं, मेरा घोड़ा बहुत शानदार घोड़ा है, बड़ी महिमा बड़ी विशेषता बताया। राजा ने कहा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? हुजूर वो डेरे में बना है, लेकिन शानदार घोड़ा है आपके लाया। अच्छा क्या कीमत? पुराने जमाने की बात, ये क्या कीमत? हुजूर 20,000 रुपया है घोड़े की कीमत। 20,000? अरे तुम्हारा घोड़ा तो बहुत कीमती है, बहुत दाम बता रहे हो, कुछ कम करोगे? हाँ हुजूर, आप कहते हैं कम कर दूंगा, ये कितने में दे दोगे? हुजूर 5 रुपये में दे दूंगा उसको। राजा ने कहा, 20,000 का घोड़ा 5 रुपये में? अरे इतना तो कोई कम करता ही नहीं है इकट्ठा। तुम 20,000 घोड़ा 5 रुपये में कैसे दे दोगे? हुजूर उसमें एक चीज की कमी है। ये कौन चीज? मुझे बहुत छोटी सी चीज है, वही ने बाकी सब बंद करके क्या है? हुजूर उसमें जीव नहीं है। तो राजा ने कहा, तो मुर्दा फैसला 5 रुपये में मांग रहा है। तो शरीर में जब तक है ना, कल मैंने कहा था ना, आपके शरीर से आपके जीवन से बढ़ करके मूल्यवान कोई नहीं है, लेकिन जीव निकल जाए तब मुफ्त में कोई नहीं रखेगा, इसको रखेगा कोई? गलत, कोई नहीं रखेगा। तो जैसे इस शरीर के लिए काम कर रहे हैं, वैसे अपनी जीव आत्मा के लिए भी काम कर। 23 घंटा आप दुनिया के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए देते हो। 24 घंटे में 1 घंटा अपनी जीव के लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने राम के लिए समय निकालो। नहीं निकाल सकते, आधा घंटा निकालो। अंत में दुनिया छोड़ करके जाना है, न पैसा काम आएगा, न परिवार काम आएगा, न पद काम आएगा, और न तो हमारा मठ हमें हमारा काम आएगा, न हमारे मठ में जो कुछ रुपया पैसा वो हमारा काम आएगा। काम क्या आएगा? मैंने जो भजन किया, मैंने जो सत्संग किया, मैंने जो साधना की, वो मेरा काम आएगा, वो आपका काम आएगा। तो जैसे आप शरीर के लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही समय निकाल करके, मैंने ये कहा 23 घंटा में आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालो। समय नहीं मिलता है, आप सोते समय समय निकालो। आप अब तो आपको सोना है ना, केवल बस बत्ती बुझ गई, खा पी लिया, अब सोना है, उस समय बैठ जाओ और बैठ करके थोड़े समय साधना कर लो, भजन कर लो, ध्यान कर लो, चिंतन कर लो, 10 मिनट 15 मिनट। सो नींद बढ़िया आएगी, संकाल बढ़िया बनेगा, और सुबह उठो फिर 15 मिनट बैठ जाओ,
रोज ऐसा करके देखना कि 6 महीना पश्चात आपके जीवन में क्या अंतर आया। लेकिन कुछ नहीं, बस खाते पीते भूल गए, भूल गए राग रंग, भूल गए खंजड़ी, 3 चीज नहीं भूली, लोन तेल लकड़ी, और इसी में सब जीवन खत्म। लोन तेल लकड़ी का आवश्यकता है, नहीं तो काम चलेगा, लेकिन लोन तेल लकड़ी जीवन नहीं है, आगे भी क्या करना है ये सोचना। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। साहब कहते हैं जिस भगवान को, जिस परमात्मा को, जिस खुदा को, जिस गाड को तुम खोज रहे हो बाहर, वो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन की स्थिति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जिस ईश्वर को तुम खोज रहे हो वह ईश्वर तो सर्वभूतानां सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। भगवान को पाने के लिए आपको कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, न केदारनाथ, न बद्रीनाथ, न मक्का, न मदीना, न यरूशलम, न द्वारका, न जगन्नाथ नाथ, न अयोध्या, न प्रयाग, न कहीं कहीं जाने का नहीं। आप जहां बैठे हैं वहीं मिला है। ध्यान रखना, गुलाब जी की फैक्ट्री में आपको भगवान नहीं मिल सकता, हिमालय में भी नहीं मिलेगा। इस फैक्ट्री में नहीं मिल सकता तो मक्का मदीना बदरीना केदारनाथ रामेश्वर में भी नहीं मिलने वाला। अब जहां बैठे हो वहीं मिला है, क्योंकि आपके हृदय में बैठे ईश्वर स्वरूप भूतानाम जैसे अर्जुन की क्षति। गीता में कहा गया ईश्वर सभी प्राणियों हृदय में बैठा हुआ। हम सबकी सफाई करते हैं और हृदय की सफाई नहीं करते। कोई आपको निमंत्रित किया, निमंत्रण पाकर आप उसके घर गए, उन्होंने आपका कहा अच्छा साहिय आई पधारी, आपको एक कमरा में ले गए, ये कमरा है आप यहां आराम करिए निवास करिए। आप देखते हैं कमरा में चारों तरफ गंदगी, कहीं थूक पड़ी है, कहीं चट्टी पड़ी, कहीं पेशाब, कहीं दुर्गंध आ रही, कहीं कचरे पड़े हुए हैं, मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। आप क्या समझोगे, इस आदमी ने मेरा सत्कार किया है समझोगे या तिरस्कार किया समझोगे? क्या उस कमरा में रहना चाहोगे आप? नहीं रहना चाहोगे, क्योंकि कमरे चारों तरफ गंदगी है। ये गंदे कमरे में आप रहना पसंद नहीं करोगे। क्या भगवान आपसे भी गया बीता है कि आप गंदे ही पसंद करेगी? एक कमरा है गंदा, आप रहना पड़ोगे, भगवान कहां रहेगा? हृदय में। और हृदय में क्या है? दुनिया भरी गंदगी यहां पड़ेगी, इसी में काम है, इसी में कूड़ा रहता, सारी गंदगी यहीं भरी हुई है, भगवान आएगा कहां का? पहले हृदय की सफाई तो करो। हम सब साफ कर, सब साफ कर, सब साफ करते हैं, खाली गंदा करते हैं अपने मन। और कहते महाराज हम तो जिंदगी भी गए हमारी पूजा करते करते, भगवान नहीं मिला, मिलेगा? हृदय को साफ कर लोगे पुकारने का आवश्यकता नहीं रहेगी, लगेगा जिसे मैं खोद रहा था वो तो भीतर ही बैठा। साहब कहते हैं तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो। क्या कहते हैं? हृदय का जो विवेक और विचार का नेत्र है, समता का जो नेत्र है, ज्ञान का जो नेत्र है, वो ज्ञान का नेत्र खोल करके देखोगे तो दिखाई पड़ेगा वो परमात्मा जिसे पाने के लिए मैं बाहर भटक रहा था, वो तो यहां बैठा हुआ है हृदय में। कहते हैं ना किसी जी का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव भस्म हो गया। वो तीसरा नेत्र हर व्यक्ति के पास, वो तीसरा नेत्र कौन है? ज्ञान का नेत्र, विवेक का नेत्र है। जब तक वो ज्ञान के अंदर नेत्र नहीं खुलेगा तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है हृदय में, लेकिन अनुभव नहीं होगा क्योंकि हम बाहर 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 घूमते चले जा रहे हैं। रुकना पड़ेगा और अपने अपने जीवन को, हृदय को साफ करना पड़ेगा। अंत में साहब कहते हैं कहत कभी सुनो भाई साधो गुरु चरणों में लिपट पड़। जीवन का मेरा पार करना है, जीवन से दुख को खत्म करना है, शांति से प्रेम से छीना है, आत्म कल्याण का काम करना है, तो सच्चे गुरु की खोज करो, उनके चरणों में लिपट करके रहो, निर्मलता पूर्वक विनम्रता पूर्वक सेवा करते हुए आगे बढ़ो,
निश्चित है, जो पाना चाहते हो जीवन में मिल जाएगा, भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो कबीर साहब के एक पद मैंने आपके बीच कहा, कुछ लेना न देना मगन रहना, गहरी नदियां ना पुरानी केवटिया से मिले रहना, पांच तत्व का बना पिंजरा सामने बोले मेरी मैना, कहत कभी तेरा पिया तेरे मन में पता है खोल कर देखो नैना, कहत कभी सुनो भाई साधो गुरु चरणों में निपट। हर आदमी मगन रहना चाहता है, साहब कहते मगन रहने के लिए किसी की बुराई मत लेना और किसी को दुख मत, और जीवन में जानबूझ करके कोई गलत काम मत करना, गलत आदत न बनाना, गलत व्यवहार न करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। और सच्चे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, सच्चे गुरु को पाए बिना जीवन में भटका, परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है हृदय मंदिर को, मन मंदिर को साफ करने। एक बात याद रखना, अपने आप से कहीं से सबसे छिपा सकते हो लेकिन मन से छिपा नहीं सकते आप। जो भी आप करेंगे सबकी रिकॉर्डिंग मन में होगी, उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए सब बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, मन ना बिगड़ नहीं पाए। ये मन ही आपके परमात्मा का, आत्मा का स्थल है, मंदिर है, ये सदैव साफ करते रहना है। जितना साफ हो जाएगा इसी जीवन में व्यवहार का काम, गृहस्थी का काम बढ़िया होगा और आत्मा कल्याणकारी काम बढ़िया होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत हमारी ओर से धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आप लोग यहाँ आए हैं। खूब मेहनत करिए, आप अपने प्रेम से समता से रहिए। लेकिन मैंने यही कहा, अब इतने दूर से माता पिता घर द्वार बाल बच्चे छोड़ करके आए हैं, कोई गलत आदत ना बनाइएगा। खाना है भोजन, पेट तो भरना, खाना पड़ेगा, खाओ और खिलाओ लोगों को, प्रेम अच्छा व्यवहार करो, अच्छा जीवन जियो, ताकि आप यहाँ से जब जाओ कभी किधर से खुशी खुशी जाओ, कुछ ले करके जाओ और यहाँ और लेकर जाओगे, यहाँ वाले आपके बिहार सुखर प्रसन्न रहेंगे, वहाँ वाले बिहार प्रसन्न रहेंगे। तो ये काम करना है, आपका जीवन आपके हाथों में है, अपने जीवन को न बिगाड़े, मेरा यही निवेदन है। ये शुभकामनाएं, प्रसन्नता से जियो, खूब कमाओ, बिहार में उन्नति करो, परमार्थ में उन्नति करो और जीवन सच्चा लाभ ले लो। फिर आपको लोगों को धन्यवाद देते हुए, शुभकामना व्यक्त करते हुए अपने वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। आरती अखंड लखाई।
आप सो जा कह गोपाल साहिब देव नाई दूजा कह गोपाल साहिब देव नाई दूजा आरती करो गुरुदेव तुम्हारी आरती करो गुरुदेव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी गुरुदेव। सब लोग प्रसाद ले लें। आप लोग में से जो आ सकते हैं आपका भाई है बाकी।